में क्यों आप बैठ गए हैं प्रदर्शन करने? अभी हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। हम लोग हम गवर्नमेंट कॉलेज भागलपुर से पास आउट हैं, 2015 बैच के हैं, 12 से 15। हमारे परसेंटेज 74% है और हमारे कॉलेज के मैक्सिमम परसेंटेज जो है 78 होता है, जो कि स्टेट टॉपर था 2016 और 15 का बैच। और हमारा जो बीटीएससी जो पहले कटअप निकाला था जिसमें काउंसलिंग हुआ है, वो 67 तक गया था, लेकिन ये घोल माल कर करके पता नहीं क्या हुआ, 3 दिन के अंदर बोलते हैं कि 16 घंटा काम करके हम लोग बोला जाता है कि 16 घंटा काम करके हमने रिजल्ट बनाया, जिसमें कि 40% आरक्षण को हम बर्बाद कर दिए। ठीक है, यही कारण है कि आज अभी हम अर्धांगन है। ये हमारे जितने भी सहपाठी और सहकर्मी हैं, सबके सब पूरा अंगन होंगे, पूरा नग्न होंगे, जब तक कि वो कैंसिल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा रिजल्ट का, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग का इज्जत लूट गया है, अब हम लोग पूरे बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, हम लोग अब राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र जो गवर्नमेंट का है उसका चीरहरण किया गया हो गया है। अब हम लोग जो है यहाँ से हिलने वाले नहीं है, जब तक कि पहले का जो रिजल्ट घोषित हुआ है गलत रिजल्ट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम लोग साबित किए हैं कि ये बंदा जो है नहीं था। और आप देख सकते हैं कि अभी दो बंदा को जो है हटाया गया है, समझ गए? तो क्या हम लोग लिस्ट देंगे तब ये हटाएंगे? ये यहाँ का जो पदाधिकारी है वो क्या घास छिलने के लिए अंदर आते हैं? क्या करते हैं? हम लोग अभी लिस्ट दिया है कि ये जो है फर्जी है तो उसको हटा गया है। ये दो से काम नहीं चलेगा जब तक पूरा कैंसिल नहीं होगा, जब तक। और एक बात, जैसे विज्ञापन में है कि जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है वो पहले 60 में जाएगा, उसके बाद 40% वाले को भरा जाएगा, और लड़की का जो सीट है वो उसी कैटेगरी के लड़का से भरा जाएगा, जैसा कि इनका एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। और इन्होंने फर्जी पारा करके पता कौन सा स्टूडेंट को भर दिया, विकलांग जो कोटा हमारे भाई, हमको बहुत दुख होता है कि जिनका एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, उनका भी जो है सीट को मार करके किसी आम स्टूडेंट को दे दिया है।